भारत में कृषि से जुड़े 60-80% कार्य महिलाएं करती हैं, जबकि उनको केवल 13% जमीन पर ही अधिकार प्राप्त है। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की के बारे में तब तक नहीं सोचा जा सकता है जब तक हाशिए पर जी रही ऐसी महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने का प्रयास सफल ना हो। ऐसा ही एक प्रयास भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि सखी प्रोग्राम द्वारा किया गया है। इसकी एक मिसाल है केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की कुछ ग्रामीण महिलाएं। तिरुवनंतपुरम की महिला किसान अपनी कृषि उपज में तकनीकी परिवर्तन कर एक अच्छी आमदनी कमा रही हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि पर निर्भर रोजगार को बढ़ावा देना और उसे टिकाऊ बनाना है, ताकि गरीब ग्रामवासियों की मेहनत को जैविक खेती के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कृषि सखी का मकसद ही है लोगों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त कौशल सिखाया जाए, ताकि वो आर्थिक और सामाजिक संसाधनों की कमी की वजह से कहीं पिछड़ ना जाएं। कृषि सखी इसके बाद स्ट्रक्चर अभ्यास कार्यक्रम के द्वारा कृषि पारिस्थितिक प्रणाली को उपयोग में लाती है, जहां खेती कर जमीन, कीड़ों का प्रबंधन और उपज की देखरेख सिखाई जाती है। इसके अलावा इन उत्पादों को बाजार से जोड़ने की जानकारी और मार्केटिंग के बारे में भी सिखाया जाता है। कृषि सखी सारी यात्रा में साथ होती है, लेकिन कृषि सखी कोई कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये एक सेवा प्रदाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कोडुवाचनूर गांव में मीना पिछले 6 सालों से इसी तरह की गतिविधि तंत्र पर काम कर रही हैं। मीना को कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए अब 10 साल हो चुके हैं। इसकी 2 बेटियां हैं और उनका सपना है कि वे दोनों बड़ी होकर कृषि अधिकारी बने, ताकि वो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। मीना ने पिछले 6 सालों में सीआरपी के तहत अब तक 5,000 समुदाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया है। ऐसी ही एक सदस्य वल्सला कुमारी भी हैं, जो महिलाओं के एक दल के साथ मिलकर जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल द्वारा सब्जियां और फल उगाती हैं। इनके पति भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। एक अच्छी गुरु की तरह मीना ने वल्सला को इस बात के लिए तैयार किया है कि वो अपने उत्पादों को बाजार में सीधा स्थानीय दुकानों को बेच सके। वल्सला को मिले इस आत्मविश्वास से अब उसे काफी मुनाफा हो रहा है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही पोझांडू गांव में बिंदु और कुमारी कृषि सखी होने के नाते अपने उद्यम को अच्छी तरह से चला रही हैं। इन्होंने कृषि के एकीकृत तरीके का इस्तेमाल करके सब्जियां जैसे बैगन, मटर, मिर्ची, मोरिंगा, भिंडी और करेला तो उगाया ही है, साथ ही ये गाय, बकरी, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन भी करती हैं। बिंदु केवल मधुमक्खी पालन से ही साल भर में करीब 250 लीटर शहद बेच देती है। वो इस शहद को 1-1 लीटर की बोतलों में 300 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेच के अच्छा मुनाफा कमा रही है। गांव में पंचायत भी साप्ताहिक बाजारों का आयोजन करती है। इसकी मदद से पंचायती गांवों के लोग ताजे और जैविक उत्पादों को खरीद पाते हैं। किसी भी नए उद्यम की तरह कृषि सखी भी सिर्फ एक ही काम तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए बिंदु अपने स्कूटर पर अपने उत्पादों को घर घर बेचने जाती हैं। इससे ये अपने लिए भरोसेमंद ग्राहकों को जुटा रही हैं। कृषि सखी के पीछे की आर्थिक स्वतंत्रता ही इसे सफल बना रही है। कृषि सखी आज एक विचार नहीं रह गया है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर महिलाओं और गांवों की तरक्की का एक सफल माध्यम बनकर सामने आया है। महिलाओं की आपसी भागीदारी और आत्मविश्वास के साथ इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।